जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखंड अगस्त्य मुनि क्षेत्र में मोटर मार्ग का स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। इस सड़क मार्ग का निर्माण करीब 1 करोड़ की लागत से किया जाएगा। बता दें कि स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी। सड़क के अभाव में स्थानीय लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहीं इस मौके पर विधायक चौधरी ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र की जनता की मांग थी, जिसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सड़क को नैना देवी तक ले जाने का प्रयास करेंगे, जिससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। साथ ही कहा कि जो गाँव सड़क से वंचित रह गए हैं, उनको सड़क से जोड़ा जाएगा। इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। बहुत लंबे समय से डूंगरा आरसीयू सड़क का जो मामला था वो वन भूमि हस्तांतरण की वजह से रुका पड़ा था, और पिछले साल उसमें स्वीकृति प्राप्त हुई है और अभी उसका आज यहाँ पे विधिवत भूमि पूजन किया गया, कार्य प्रारंभ किया गया और विभागीय अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि अगले 6 महीने के अंदर सड़क जो है वो आरसीयू तक पहुँच जाएगी। कल तो मैं यहाँ की समस्त जनता को बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ और माननीय विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने यहाँ की जनता की सुनी और बहुत लंबे समय से ये मांग थी, आज ये मांग पूरी हुई है। इसके लिए अभी आपने सारे हमारे जनता के सामने ये बात रखी है कि जो उनकी आरसीयू से आगे जो नैना देवी की जो सड़क की मांग है वो भी पूरी होने जा रही है। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद नाम जो है डूंगरा से आरसीयू तक मरम्मत करना है, इसमें 3 करोड़ की स्वीकृति के 97 लाख हमारा प्राप्त हुआ है और इसमें अनुबंध बन चुका है, काम शुरू हो चुका है। और वैसे तो इसका डेट ऑफ कंप्लीशन 9 महीने है, लेकिन हम प्रयास करेंगे इसको हम 6 महीने के अंदर अंदर इसको मतलब पूरा कर दें, ऐसा हमने आश्वासन भी दिया है और हमारे ठेकेदार ने भी कहा है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको हम जल्दी से जल्दी विद इन 6 महीने अंदर इसको पूरा करें। आज हमारे सड़क का निर्माण हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, ये आरसीयू वालों का बहुत बड़ा सपना था तो आज पूरा होने जा रहा है माननीय विधायक जी की कृपा से, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ अपने ग्राम सभा की ओर से।